बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय दो और आज हम करने जा रहे हैं हमारे पाठ्य पुस्तक का उदाहरण दो पॉइंट चार से लेकर दो पॉइंट छः तक क्योंकि इससे रिलेटेड हमने क्या कर रखा है थ्योरी पार्ट पढ़ लिया जब हमने इससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट पढ़ लिया तो एग्जाम्पल भी करते हैं होगा क्या एक तो न्यूमेरिकल करने की आदत पड़ जाएगी और दूसरा क्या होगा जब हम न्यूमेरिकल या एग्ज़ाम्पल करते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है और ज़्यादा क्लियर होता है सब्जेक्ट पे हमारी क्या होती है और ज़्यादा मजबूती हो जाती है पकड़ और ज़्यादा करते हैं तो देखिए हमारे पास है उदाहरण दो पॉइंट चार देखिए यहाँ पे दर्शाए किसी वर्ग वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पे क्या है व्यवस्थित है यहाँ पे ए ये बी सी और डी यहाँ पे क्या है आवेश है पे प्लस क्यू माइनस क्यू है ना फिर प्लस क्यू और माइनस का क्यू है आपसे कह रहा है क्या इस व्यवस्था को एक साथ बनाए गए में क्या कार्य ज्ञात कीजिए और बी पार्ट है अपने पास कोई आवेश क्यों जीरो वर्ग के केंद्र ई पर लाया जाता है तथा चारों आवेश अपने शीर्षों पर डर रहते हैं ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है ये भी बताना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करें ए पार्ट को देखते हैं हमारे पास ये वर्ग है इस पर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू कहाँ रखे हुए हैं शीर्षों पर रखे हुए हैं अच्छा ये तो आपको पता ही है वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है बर कितना दे रखी है इसकी भुजा डी दे रखी है यानी इनके बीच की जो दूरियां हैं वो कितनी आ जाएगी डी आ जाएगी ये डी ये 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 सारे क्या होंगे डी आ जाएंगे तो चलिए हल करते हैं हल करने के लिए आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं कि माना आवेशों को चित्र में दिखाई व्यवस्था क्रमशः ए बिंदु पर बी बिंदु पर सी बिंदु पर और डी बिंदु पर ला कर क्या किया गया है स्थापित किया गया है ठीक है किया गया कार्य निकालें तो कार्य सारे ही निकलेंगे यहाँ पे तो देखिए कार्य के लिए देखिए आप इसको याद करिए मैंने बताया था आपको Q1, Q2, Q3 और क्या है अपने पास Q4 है ये, ये ना Q1, Q2, Q3, Q4 तो सबसे पहले क्या आएगा अगर इनके पैर बनाएं तो पहला ये बनेगा Q1 Q2 पहला क्या बनेगा Q1 Q2 बनेगा फिर और बनाएं Q1 से और देखिए तो ये बनेगा फिर क्या बनेगा अपने पास क्यू वन बनेगा फिर Q1 की बात करें इससे ये बनेगा क्या बन गया देखिए आप Q1 और Q4 बन गया समझिए बात को ऐसे ही बात करें Q2 की हम किसकी चर्चा कर हैं? अब Q2 की पीछे नहीं जाना आगे ही बढ़ना है तो Q2 और क्या बनेगा Q2 और Q3 बनेगा और यहाँ से आगे जाओगे तो क्या बनेगा Q2 और Q4 बन जाएगा अब बात करो केवल किसकी थ्री की तो थ्री के लिए तो एक ही है ये वाला ही है तो इससे क्या बनेगा इससे बनेगा आपका Q3 और कितना Q4? ये पेयर बनाने आने चाहिए अपने को क्या होना चाहिए पेयर बनाने आने चाहिए देखिए Q1 Q2 ये रहा Q1 Q2 ठीक है फिर Q1 वन की थ्री ये रहा Q1 Q3 Q1 Q4 ये रहा अपने पास Q1 Q4 फिर बात करें ये रहा Q2 Q3 ये रहा Q2 Q3 और फिर Q2 और Q4 और ये लास्ट में है Q3 और Q4 ये पैर बनाना आना चाहिए अब इनके बीच की दूरी देखें हम क्या करें बीच की दूरी देखें तो जब बीच की दूरी देखोगे तो देखिए अगर सिरसों की बात करें अपन क्या करें सिरसों की बात करें ये तो आपका Q1 था है ना और ये क्या था Q2 था ये Q3 था और ये क्या था Q4 था आपस में अगर सिरसों की बात करें Q1 और Q2 के बीच में d दूरी होगी दो और तीन के बीच में डी होगी तीन और चार के बीच में क्या होगी डी होगी चार और एक के बीच में क्या होगी डी होगी लेकिन विकर्णों की जब बात करेंगे तो इसका विकर्ण कितना आता है ये ध्यान होगा आपको विकर्ण होता है वर्ग का अंडर दो गुणा भुजा पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं तो विकर्ण क्या होगा अंडर टू डी होगा किस किस के बीच में एक और तीन के बीच में दो और चार के बीच में ठीक है तो ये अपन क्या करेंगे दूरी काम में लेंगे तो यहाँ पर अपन ये चीज़ रख रखा है देखिए क्यू वन क्यू टू में डी आ गया वन और थ्री में अंडर आ गया वन और फोर में क्या होगा डी आएगा टू और थ्री में डी आएगा है ना टू और फोर में क्या होगा अंडर उी और थ्री और फोर में क्या होगा डी आ जाएगा ठीक है यहां तक ये बात समझ में आ गई अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है अपने को क्वेश्चन में दिया गया है क्यू वन कितने का है प्लस क्यूँ है क्यू वन क्या है प्लस क्यूँ है क्यूँ टू माइनस का है क्यू थ्री प्लस का क्यू फोर क्या है क्यू फोर क्या है बताइए भाई पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर क्या है माइनस है इस तरह दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस ही आता है प्लस को माइनस से करते हैं तो क्या होता है माइनस का आता है तो ये पहला Q1 और Q2 कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा भाई प्लस Q और माइनस Q वन और थ्री क्या हो जाएंगे वन वाला भी प्लस का है थ्री वाला भी क्या है प्लस का है इसलिए प्लस का होगा वन और फोर एक प्लस का एक माइनस का है इसलिए माइनस आ जाएगा ऐसे टू और थ्री में क्या होगा एक प्लस का एक माइनस का माइनस आ जाएगा टू और फोर टू और फोर की बात करें तो दोनों क्या है प्लस के हैं तो प्लस का आ जाएगा थ्री और फोर की बात करो तो एक प्लस का और एक माइनस का है तो इस तरह हो जाएगा समझ गए बात को यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी जो अपने पास Q1 है वो तो प्लस क्यों है और Q2 जो है वो क्या है माइनस क्यों है और Q3 जो है वो प्लस क्यों है और जो Q4 है वो क्या है माइनस का क्यों है जैसा कि अपन को कहाँ दिया हुआ है चित्र में दिया गया है ये सारी चीज़ें हमने क्या किया रख दिया रखने के बाद सब में देख रहे हो आपके पास जो कॉमन आ रहा है उसको क्या करें कॉमन ले लें कटता है तो काट दीजिए और जुड़ता है तो क्या करें जोड़ दें ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का वो माइनस का एक दो तीन चार चार तो माइनस के आगे है ना चार तो क्या हो गए माइनस के आगे तो ये अपन ने लिख दिया चार माइनस के माइनस चार के क्यू स्क्वायर में डी प्लस वाले देखो तो प्लस वाले दो ही आए एक तो ये आया हुआ है और एक ये आया हुआ है तो दो आ जाएगा तो दो आगे ले लेंगे तो ये अपने पास आ गया दो के क्यू स्क्वायर बटे में डी अंडर रूट दो ठीक है अब देखिए यहाँ पे इसके आगे हल करना आना चाहिए अपने को हमने क्या किया वहाँ पे के क्यू स्क्वायर बटा डी कॉमन ले लिया ठीक है क्या ले लिया के क्यू स्क्वायर बटा डी कॉमन ले लिया तो देखते हैं पहले इसको लिख देता हूँ ये तो बचा दो बटा अंडर रूट दो और ये आ गया माइनस का चार ठीक है अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप ये अपने पास दो में अंडर दो का भाग दूंगा तो कितना आएगा अंडर दो आएगा कितना आएगा अंडर दो आएगा और ये क्या हो गया माइनस चार तो यह आ गया अंडर उड दो माइनस चार अगर मैं माइनस बाहर लेता हूँ मैं माइनस अगर बाहर लूंगा तो यह आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बटे में डी और अंदर रहेगा चार माइनस अंडर उड दो दोनों सही है कोई दिक्कत नहीं है माइनस अगर बाहर लो तो अच्छी बात है नहीं लोगे तब भी क्या है कोई दिक्कत नहीं गलत नहीं होता है अपने पास तो माइनस लिया तो मैंने लिया चार माइनस अंडर उड दो यहाँ पर मैंने क्या किया के का मान रख दिया हम जानते हैं के का मान क्या होता है एक बटा चार पाई एफ सालन नोट होता है यहाँ हमने क्या किया के का मान रख दिया तो ये अपना क्या हो गया डब्लू आ गया ये अपना क्या हो गया W आ गया देखिए यहाँ पे माइनस लेने का कारण भी है अपने पास क्या है माइनस लेने का कारण भी है चार बड़ा होता है अंडर उड दो क्या होता है छोटा होता है तो मुझे बड़ी राशि में से छोटी राशि घटानी थी इसलिए मैंने क्या किया माइनस कॉमन लिया था समझ गए बात को चलिए देखते हैं बी पार्ट जब ई आपका केंद्र है तो आपको ये पता होना चाहिए क्या होना चाहिए जो केंद्र होता है ना ये ये दूरी हमेशा क्या होती है वर्ग के अंदर ये दूरियाँ सारी बराबर होंगी कौन से यहाँ से यहाँ से ये यह दूरी क्या होंगी बराबर होंगी यानी ई बी बराबर होगा ई सी ई डी और ई e, ए क्या होंगे बराबर होंगे ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है समझिए बात को वो दूरी क्या होगी बराबर होगी ई ए बी ई सी और ई e, डी मैं यहाँ लिख देता हूँ यानी वहाँ पे देखेंगे तो ए e, ठीक है बी ई e, और सी ई e, और डी ई e, ये अपने को याद रखना है ये क्या होंगे बराबर होंगे ए ई बी ई सी ई और डी ई क्या होंगे बराबर होंगे समझ गए भाई दूरियां क्या होती है बराबर होती है निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो कर्ण जो है उसका विकर्ण जो है विकर्ण आधा आधा होगा वर्ग में दोनों विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं तो आधा आधा होगा तो सारी दूरियां क्या होंगी बराबर होंगी पूरा कितना निकला था अंडर भुजा निकला था आधा कर लोगे जरूरत नहीं वैसे करने की अगर निकालना ही चाहते हैं तो ये दूरी क्या होगी कंप्लीट जो विकर्ण निकला था मेरा अंडर रूट टू डी निकला था और ये दूरी निकालना है तो दो का भाग लगा दूंगा और दो का भाग लगाऊं तो ये किसके बराबर होगा डी बटा अंडर रूट दो के बराबर होगा किसके बराबर होगा डी बटा अंडर रूट दो के निकालने तो अच्छी बात है नहीं निकालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए ये तो आप जानते हैं वहां पर हम क्या करें विभव की गणना कर लें ई पे वर्ग के कोनों पर है ना चारों आवेशों के कारण उस पर कुल विभव देख लें अध्यारोपण के सिद्धांत से तो हम विभव की गणना करें विभव तो आपको पता ही है क्या होता है केक्यू बटा आर होता है ना केक्यू बटा आर होता है तो ये विभव हो गया पहले वाले की बात करें तो पहले पे प्लस क्यों है पहले वाले पे क्या है प्लस क्यों है तो ये के क्यू बटा आर आर यानी दूरी दूरी हो गई वहाँ पे भाई यहाँ पे ये है ना तो ये दूरी देख लेंगे अपने पास ए था ये बी ये सी और ये डी ये आपका ई तो ये दूरी हो गई और यहाँ पे जो भी आवेश है प्लस क्यों ये हो गया तो दूरी कितनी हो गई ए ई दूरी कितनी होगी ए ई ये आ गया के क्यू बटा ए ई दूसरे की बात करो तो दूसरे की ये दूरी हो गई और यहाँ पे क्या है माइनस का क्यू आवेश है तो ये आ गया माइनस का के क्यू बटा बी ई ठीक है तीसरे की बात करें तो तीसरे का यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है ये दूरी है है ना तो सी ई e लिख दिया और चौथे में क्या है तो ये माइनस का क्यू आवेश है और ये दूरी है डी ई ये सारे अपन ने लिख दिया सारी दूरियाँ क्या है बराबर है आप चाहें तो एक्स भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हालांकि मैंने आपको निकाल के बता दिया ये दूरी निकलेगी वो कितनी निकलेगी डी बटा अंडर उड दो निकलेगी तो सबके जगह अपन ने क्या किया डी बटा अंडर उड दो रख दिया ठीक है अब देखो ये कट रहे हैं ये प्लस का है माइनस से कट गया ये प्लस का है ये क्या हो गया माइनस से कट गया क्या आया वी कितना आ गया अपने पास क्या हो गया वी क्या हो गया ज़ीरो हो गया इसका मतलब क्या हो गया कुल विभव कितना है शून्य है विभव कितना हो गया शून्य है और तो अपन जानते हैं अगर विवह शून्य है तो हमें कोई भी अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ता है पता नहीं तो अपने पास विभव शून्य है तो वहाँ पे हमें कोई भी अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ता तो ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा अच्छा एग्जाम्पल था है ना तो एक बार और करेंगे डिटेल में करेंगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा और समझ में अगर नहीं आया तो दोबारा से आप क्या करें वीडियो को रिप्ले कर लें आपको सौ प्रतिशत समझ में आएगा चलिए और एग्जाम्पल देखें दो पॉइंट पाँच पे चलते हैं बहुत शानदार एग्जाम्पल है ये भी उदाहरण नंबर दो पॉइंट पाँच एन सी आर टी बुक का ही है देखिए पढ़िए एक बार आप पढ़िए क्या कह रहा है ये कह रहा है दो आवेशों सात माइक्रोकलाम और दो माइक्रोकुलाम के हैं ठीक है कहाँ रखे गए हैं माइनस नौ सेंटीमीटर कोमा जीरो जीरो और नौ सेंटीमीटर कोमा जीरो जीरो इसका मतलब क्या है ये त्रिविम में निर्देशांक बता रहा है ये क्या बता रहा है त्रिविम में निर्देशांक बता रहा है यानी जो त्रिविम में निर्देशांक होते हैं पता ही ना आपको आप अक्ष होता है वाई अक्ष होता है और जेड अक्ष होता है ये कहाँ रख रहा है यहाँ पे वाई का मान जीरो जेड का मान जीरो है ठीक है तो यहाँ पे मान लीजिए ये तो क्या हो गया अपने पास नौ जीरो जीरो हो जाएगा एक्स अक्ष पे है ये और इधर से आएंगे तो क्या होगा ये माइनस नौ ज़ीरो ज़ीरो होगा यहाँ पे रखे हुए हैं ठीक है कहाँ रखे हुए हैं इस जगह रखे हुए हैं अपने पास है ना इधर तो क्या है माइनस का सात माइक्रोकुल का रखा हुआ है और इधर का क्या है दो माइक्रोकाम का है कौन से पे है तो ये एक्स अक्ष पे है कितने पे है अक्ष पे मूल बिंदु से इनकी दूरी कितनी है इधर से नौ और इधर से भी कितनी हो गई नौ अगर कुल दूरी देखेंगे तो आपकी दूरी कितनी आएगी अट्ठारह आएगी कुल दूरी कितनी होगी अट्ठारह सेंटीमीटर होगी यानी दोनों आवेश एक दूसरे से अट्ठारह सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं ये बात ध्यान देना काम की बात यही है इसके अंदर समझिए ना ये अक्ष पे है ये माइनस अक्ष पे है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नौ हो गई इधर भी नौ हो गई नौ और नौ जोड़ेंगे क्या होगा अट्ठारह होंगे कई बच्चे कह रहे हैं सर इधर माइनस नौ और इधर नौ लो माइनस नौ प्लस नौ जीरो बोलो ऐसा होता है क्या दूरियां हमेशा क्या होती है दूरी हमेशा क्या होती है धनात्मक होती है दूरी हमेशा क्या होगी धनात्मक तो ये भी नौ होगा और ये भी क्या होगा नौ होगा गलती मत करना माइनस नौ की समझ गए बात को यहाँ पर यही काम की चीज़ है आगे पढ़ते हैं ऐसे निकाय पर जिस जिसपे कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है यहाँ पे कोई भी बाह्य क्षेत्र नहीं है स्थिर विद्युत की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए ठीक है बिना बाह्य क्षेत्र के लिए और बी पार्ट अपन बाद में बात करेंगे एक बार ए पार्ट को देख लेते हैं फिर दोबारा बी पार्ट पे आएंगे ठीक है तो आपको जो दिया है वो अपन ने यहाँ लिख दिया हमें Q1 वन आवेश दिया है सात माइक्रोकुल और माइक्रो माइक्रोकुल को किस में बदलेंगे कुलम में गुलाम में बदलने के लिए 10 की घात माइनस छः से गुणा कर दिया Q2 आपका माइनस दो माइक्रोकुलाम है इसको भी हमने क्या किया गुलाम में बदलने के लिए दस की घात माइनस छः से ठीक है गुणा कर दिया पता ही है सबको ये फिर अपन को क्या करनी है डिस्टेंस पता करनी है तो मध्य की दूरी अभी बता दी आपको अट्ठारह सेंटीमीटर है और अट्ठारह सेंटीमीटर को मीटर में बदलना आता है आता है ना सबको सौ का भाग लगा देंगे या फिर दस की घात माइनस दो से गुणा कर लेंगे ये मीटर में आ गया नोट करना यहाँ पे हमें क्या है इनको गुलाम में मीटर में लेना आवश्यक है एक ही पद्धति में लाओगे जब तो हल करोगे आप ठीक है चलिए आपसे पूछा है निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी और यह सूत्र हमें अच्छी तरह पता है निकाला था हमने जब बाह्य क्षेत्र उपस्थित नहीं था तो के क्यू वन क्यू टू बट्टे में क्या आया था आ आया था याद आया पहले क्यू वन आवेश को लाया कोई कार्य नहीं करना पड़ा वहाँ पर डब्लू वन जीरो था फिर अपन ने क्या किया क्यू टू आवेश को लाए उसमें कार्य करना पड़ा था याद करो है ना उससे क्या हो गया था यह सूत्र निकला था और जिनको ये चीज़ नहीं पता तो इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है ना उससे भी पहले वाले वीडियो को देखिए और उससे एक वीडियो और पहले देखिए इन सारे वीडियो को देखिए आपको ये बात समझ में आ जाएगी ठीक है अब आपको क्या करना है अगर किसी के ये बात समझ में है और ये चीज़ पता है तो बिल्कुल ईजी है और अगर ये ही नहीं मालूम तो बिल्कुल हार्ड है है ना बिल्कुल ही क्या है हार्ड है अगर ये मालूम है तो बहुत अच्छी बात है तब तो क्या होगा आई एम पॉसिबल हो जाएगा ये क्वेश्चन कहेगा कह अगर आपको सूत्र याद है ये कहेगा आई एम पॉसिबल और ये सूत्र याद नहीं है तो क्वेश्चन कहेगा इम्पॉसिबल अब आप खुद सोचो आई एम पॉसिबल बनना चाहते हो या इम्पॉसिबल बनना चाहते हो तो फॉर्मूले याद करने हैं आपको ठीक है तो जब अपने पास के के का मान आपको पता है नो इंटू दस की घात नो no होता है के का मान क्या होता है नो इंटू दस की घात नो no होता है हमने एक के का मान रख दिया नो इन्टू दस की घात नो no. फिर आपसे पूछा है क्यू वन सात गुना दस की घात माइनस छः और Q2 हो गया माइनस दो दस की घात माइनस का छः बटे में क्या है R R यानी डिस्टेंस ये अपने पास R आ गया अठारह इंटू दस की घात माइनस का दो अब इसको सरल कर लें अब अपन क्या करें इसको सरल कर लें देखिए नौ दुनी अट्ठारह कट गया ठीक है क्या बचा ये है दस की घात माइनस दो और ऊपर अपने पास बचा है माइनस का सात ऊपर देखें ऊपर कर लें पहले ये नौ है छः और छः बारह है माइनस का बारह लिख ही दो एक साथ ज़्यादा ठीक है दस की घात नौ ये दस की घात माइनस का बारह नीचे वाला ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा दस की घात दो हो जाएगा अब गिनो दस की घात कितनी हो गई नौ और दो ग्यारह ठीक है और ये आ गया दस की घात माइनस का बारह ग्यारह में से बारह गए ग्यारह में से बारह गए कितना बचेगा माइनस का एक बचेगा तो ये आ रहा है माइनस सात इंटू दस की घात माइनस एक दस की घात माइनस एक का मतलब होता है नीचे चला जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा सात बटा दस और ये तो जानते हो एक संख्या छोड़ के क्या करना है पॉइंट लगाना है तो ये आ गया आपके पास माइनस का जीरो पॉइंट सात जुल माइनस का जीरो पॉइंट सात जुल ठीक है इसका जो बी पार्ट है वो कह रहा है कि दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितना कार्य की आवश्यकता होगी उल्टा बोल रहा है ना पहले हम अनंत से क्या करते थे लाते थे अब इनको क्या करना है अनंत पे भेजना है तो उल्टा बोल रहे हैं तो उल्टा कार्य हो जाएगा पहले आपका कितना था माइनस का जीरो पॉइंट सात जूल था अब क्या होगा जीरो पॉइंट सात जूल हो जाएगा ठीक है यानी अनंत माइनस यू हो जाएगा समझ गए क्लियर सी पार्ट की बात करें बी पार्ट समझ में आ गया होगा माइनस से चाहे तो गुणा कर लें या फिर ये भी चीज कह सकते हैं आप ठीक है सी पार्ट को देखते हैं सी पार्ट में क्या कह रहे हैं सी में तो कुछ लंबी छोड़े रामायण है ये कह रहे हैं माना कि अब इस आवेश निकाय को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया अब तक क्या था बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं था अब क्या किया एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लिया है ई ई का मान कितना बताया ए बटा आर स्क्वायर सही बोल रहा हूँ ए इंटू वन अपन आर स्क्वायर है मतलब तो ये होगा ना ए अपन आर स्क्वायर ठीक है अच्छा ए की वैल्यू भी दे दी इन्होंने ए की वैल्यू दे दी नौ इंटू दस की घात पांच ठीक है क्या चाहिए तो स्थिर विद्युत ऊर्जा है ना इसका परिकलन करना है हमें ठीक है कर लेंगे आपको पता ही है आर्टिकल अपना क्या है पड़ा हुआ है ठीक है ये देखिए ई e, अपन ने ले लिया ई e दिया हुआ आपको ए बटा आर स्क्वायर ठीक है विभव निकाल लो विभव क्या होगा अपन को पता है माइनस अनंत से कहा तक आर तक माइनस अनंत से ला रहे हैं ना आर तक लाके छोड़ रहे हैं तो वी बराबर होता है ई डी आर ठीक है इसका समाकलन करें समाकलन करने से पहले आपको क्या करना है ई e का मान रखना है अपने को क्या करना है ई e का मान रखना है ई e का मान दे रखा है ए अपॉन आर स्क्वायर अपने को मान क्या दिया हुआ एपोन आर स्क्वायर हम क्या करें एक को तो बाहर निकाल लें क्योंकि कॉन्स्टेंट है ये हो गया इन्फिनिटी ठीक है और ये हो गया वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर अब इसका समाकलन करना आना चाहिए बोलो कैसे करोगे समाकलन आता होगा आपको आर की घात माइनस दो डी आर सूत्र याद है क्या ये सूत्र याद होगा एक्स की घात एन डी एक्स भाई ये निशान तो जानते हो ना सांप जैसा लेटा हुआ टेढ़ा मेढा ये समाकलन का है एक्स के घात एन डी एक्स इसका समाकलन का सूत्र आप सभी को याद होगा एलेवंथ क्लास में बताया हुआ है अभी अपन ने पहले चैप्टर में भी कई जगह काम में लिया है है ना प्लस सी होता है एक्स के घात एन प्लस वन बटे में एन प्लस वन कहने का मतलब ऊपर एक घात ज़्यादा कर दो और जितनी घात आई उसी को नीचे लगा दो यही कहने का मतलब है तो यहाँ करूँ मैं ये तो माइनस ए था ही इसकी बात कर रहा हूँ ऊपर तो क्या हो गया एक ज़्यादा माइनस दो प्लस एक और नीचे भी क्या करूंगा माइनस दो प्लस एक ही लिखूंगा देखिए माइनस दो प्लस एक कितना होता है अपन बात करें कि माइनस दो प्लस एक कितना होता है तो माइनस का एक होता है माइनस का होता है ना तो ये जो आ रहा है मेरे पास ये अपने पास जो आ रहा है ये क्या रहा है? है, आ रहा है देखिए ये माइनस ए है ऊपर आ रहा है माइनस का एक और नीचे भी क्या आ रहा है माइनस का एक आ रहा है ऊपर भी माइनस का एक आ रहा है नीचे भी क्या हो रहा है माइनस का एक आ रहा है माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस हो गया और अपने पास जो आर की घात माइनस एक बच्ची हुई है यहाँ पे लिखा हुआ ना आर की घात माइनस एक इसका मतलब क्या हो गया वन अपॉन आर हो गया इसलिए हमने क्या किया डायरेक्ट लिख रखा है ए अपॉन आर क्या लिख रखा अपन ने इसको ए अपॉन आर चलिए इसकी लिमिट भी लगा देता हूँ हालांकि लिमिट लगाने के बाद भी वही निकलेगा अब लिमिट लगाऊं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक है अपर लिमिट क्या होगा आर तो आर की जगह मुझे क्या रखना है आर ही रखना है मुझे आर की जगह क्या करना है आर ही रखना है तो अपन आर की जगह क्या करें आर ही रख दें तो रखो देखो यहां पे आर की जगह आर ही रखूंगा तो यह आ जाएगा अपर लिमिट ए अपॉन आर माइनस लोअर लिमिट आर की जगह मुझे अब क्या रखना है अनंत रखना है मुझे क्या करना है अनंत रखना है ए बटा अनंत जब भी नीचे अनंत आता है तो वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो वो क्या होता है जीरो हो जाता है तो यह आ गया ए अपॉन आर माइनस जीरो इसलिए आया था अपने पास a अपॉन r ठीक है कितना हो गया a अपॉन r हो गया फाइनल यहाँ तक अब आपके पास क्या है सबकी वैल्यू है किसकी वैल्यू a की वैल्यू है ना है आपके पास r की वैल्यू है ठीक है पूछा क्या है हमसे पूछा था बाह्य क्षेत्र लाने के कारण कुल विद्युत स्थित ऊर्जा कितना होगा आपको पता होगा आप तीन टर्म बने थे याद है q1 v r1 q2 v r2 प्लस दोनों का भी बनाया था है ना तो सेम ऐसा ही यहाँ होगा वही चीज़ लेंगे कि उनका पारस्परिक भी लेंगे स्थिति ऊर्जा भाई पहले क्या हुआ था जो अपन ने विद्युत क्षेत्र नहीं था वो तो आता ही आता है और एक्स्ट्रा क्या होता है Q1 Q1 क्यू वन वी आर वन प्लस क्यू टू वी आर टू आ जाता है एक्स्ट्रा आ जाता है ना तो ये तो आपका आएगा ही आएगा एक्स्ट्रा ये और आ जाएगा दोनों का अलग अलग ठीक है दोनों का क्या हो गया अलग अलग आ गया बस आपको क्या करना है मान रख देना है ए का मान रख दो आर का मान है आपके पास और आर का भी मान है ये मान क्या करेंगे रख देंगे और ये मान आते ही आपके पास ये आंसर आ जाएंगे समझ गए बात को ए आपको दे रखा है ए अपने को क्या कर रखा है दे रखा है और आर वन और आर टू के मान भी आपको दे रखे हैं वो रख देंगे ठीक है चलिए वो रख देंगे तो यहाँ पे अपने ये मान रख दिया इनको अब आप आपको क्या करना है हल करना है तो हल तो आप आसानी से कर सकते हो ज्यादा टिपिकल नहीं है ये नौ से नौ देखो कट जाता है यहाँ भी क्या है नौ से नौ कटता है ये तो माइनस का जीरो पॉइंट सात है ये देखिए दस की घात माइनस छः और दस की घात पाँच कितना हो गया दस की घात माइनस एक हो गया हो गया ये माइनस दो ऊपर जाएगा ये माइनस दो ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा कितना बचेगा प्लस का एक बचेगा तो प्लस का एक बचा तो सात इंटू दस हो गया सात इंटू दस कितना हो गया सत्तर हो गया ऐसी कहानी इसके अंदर है ये माइनस छः प्लस पाँच माइनस का एक हो गया नीचे दस की घात माइनस दो है ऊपर जाएगा दस की घात दो हो जाएगा ठीक है तो वही एक बचेगा दस की घात एक का मतलब दस और किससे गुणा हो जाएगा दो से गुणा हो जाएगा फाइनली ये आ गया अपने पास माइनस का जीरो पॉइंट सात प्लस सत्तर माइनस बीस सत्तर में से बीस गया पचास पचास में से क्या घटाना है जीरो पॉइंट सात घटाना है है ना तो ये आएगा उनचास पॉइंट तीन जूल कार्य हो जाएगा ठीक है स्थिति जो ऊर्जा है वो क्या होगा उनचास पॉइंट तीन होगा कब जब अपन ने बाह्य क्षेत्र को लाया है जब हम बाह्य क्षेत्र लेके आते हैं तब ये अपने पास उनचास पॉइंट तीन होता है समझ गए होंगे यहाँ पे चलिए उदाहरण नंबर दो पॉइंट छ देखिये यहाँ पे क्या कह रहा है एक पदार्थ के अणु में दस की घात माइनस उनतीस कुल मीटर का स्थायी विद्युत दिधुर आगुण है ठीक है आगे कह रहा है दस की घात छः वोल्ट मीटर वोल्ट पर मीटर परिमाण का एक शक्तिशाली स्थिर विद्युत क्षेत्र को लाकर इस पदार्थ के एक मोल ध्यान देना एक मोल मोल शब्द यूज किया हुआ है को ध्रुवित किया गया है फिर क्या किया अचानक क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री कौन से क्या करते हैं बदल दी जाती है 60 डिग्री से क्या किया बदल दिया तो हमें पता करना है क्षेत्र की नई दिशा में दिधव को पंक्तिबद्ध करने में पंक्तिबद्ध का मतलब वापिस सामने या संतुलन अवस्था में लाने में कितनी उष्मा ऊर्जा होगी उसका हमें क्या करना है जो मुक्त उष्मा ऊर्जा हो रही है उसका आंकलन करना है यानी गणना करनी है और सुविधा के लिए क्या कह रखा है धूर्वन कितना मानना है मैं सौ परसेंट मानना है ठीक है आपको यह तो ध्यान ही होगा देखिए यहाँ पे दिधुर आगुण तो आपको दे दिया दस की घात कितना माइनस का ट्वेंटी नाइन दे दिया ठीक है साथ में हमें यह भी पता है कि एक मोल पदार्थ के लिए सभी अणुओं का दिधुर आगुण क्या निकलेगा हमें एक मोल के निकालना है तो एक मोल में कितना होता है पता ही छ गुणा दस की घात तेईस होता है तो इसको हम क्या करें छह गुणा दस की घात तेईस से गुणा कर लें तो छः गुणा दस की घात तेईस से गुणा करोगे तो अपने पास जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना आ जाएगा आघूर्ण कितना आएगा दस की घात तेईस और ये है दस की घात माइनस का उनतीस तेईस प्लस का है उनतीस माइनस का है कितना हुआ माइनस का छः आया ना तो कुल मिला के अपने पास ये आएगा पी का मान इसका ध्यान रखना पी का मान क्या आएगा छः गुणा दस की घात माइनस का छः होगा आगे जब हल करेंगे तो पी अपने को ये लेना है ये नहीं लेना है समझ गए बात को चलिए तो आगे बढ़ते हैं ये तो अपने को पता है U जो होता है U क्या होता है बताया था आपको माइनस पी ई कोश ठीठा होता है या डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं अब अपन क्या करें इन प्रारंभिक की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक में क्या हो गया ठीठा क्या लेना है अपने को जीरो लेना है तो ठीठा क्या करना है जीरो तो यहाँ हम क्या करेंगे पी का मान रख देंगे पी का मान ये रहा छः गुना दस की घात माइनस छ अभी निकाला था आपने ई का मान ई का मान अपने को दिया गया है दस की घात छः और इधर हम क्या करेंगे कोष जीरो अब देखो यहाँ पे दस की घात माइनस छः गुणा दस की घात छः माइनस छः प्लस छः हो गया जीरो दस की घात जीरो का मतलब कितना हो गया एक तो ये पूरा का पूरा तो क्या हो गया एक हो गया और कोष जीरो का मान भी कितना होता है एक ही होता है तो ये अपने पास आ रहा है तो अपने पास इनिशियल जो एनर्जी आई वो कितनी आ गई माइनस का छः आ गया ठीक है जीरो डिग्री पे अब क्या किया इसको साठ डिग्री पे घुमा दिया साठ डिग्री पे घुमा दिया तो यहां पे जो ठीटा है ना उसकी जगह क्या करोगे साठ डिग्री रख दोगे हम क्या करेंगे साठ डिग्री रख देंगे ये तो अपने को पता ही है कि कोस साठ डिग्री का मान एक बटा दो होता है ये अपने को पता है तो यहाँ पे हमने क्या किया पी का मान रख दिया छः गुणा दस की घात माइनस छः ई का मान दस की घात छः और कोष साठ का मान कितना हो गया एक बटा दो यही पहले वाले की तरह ये तो कट जाएंगे इसका मान तो एक हो जाएगा माइनस छ होगा और ये एक बटा दो ये दो क्या करेगा छः को काट देगा और छः को काटते ही ये कितना आ गया माइनस का तीन जूल आ गया फाइनल वाला कितना आ गया माइनस का तीन जूल आ गया समझ गए यहाँ पे अब अपने को क्या करना है स्थिति ऊर्जा में अंतर ज्ञात करना है भाई कुल निकालेंगे तो अंतर से तो निकालोगे तो स्थिति ऊर्जा में अंतर क्या हो जाएगा यू एफ माइनस यू आई है ना फाइनल माइनस इनिशियल अंतिम माइनस प्रारंभिक तो अंतिम कितना आ गया तो आपका अंतिम माइनस तीन है और प्रारंभिक कितना था माइनस छः तो मुझे क्या करना है माइनस तीन में से माइनस छः घटाना है यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा ना ये हो जाएगा माइनस तीन और ये माइनस छः तो ये हो गया आपके पास माइनस तीन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया यानी छः में से क्या घटेगा तीन घटेगा तो छः में से तीन घटेगा तो कितना आएगा तीन जूल आ जाएगा और यही आपका क्या होगा अंतर उसमा होगा ठीक है और यही आपसे क्या है पूछा गया था ये अपना क्या हो गया उत्तर आ गया समझ में आ गया होगा ये बात आपके समझ में आ गई होगी तो बच्चों आज की कक्षा में हम इतने ही एग्जाम्पल करेंगे आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद आपका दिन मंगलमय हो